आज हम जो अपने व्लॉग में बात करेंगे वो G20 के बारे में। पहले बाइट पे मेरा हक है दानिश। कितना खूबसूरत लग रहा है, सबकी कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं। अम्मी ने बोल दिया था ये अगर व्लॉगिंग करने के लिए जा रहे हो तो आराम से जाओ, बच्चों को घर पे छोड़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेबा खान मलिक फैमिली व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, तो आज हम कुछ नया करने वाले हैं कि पहले मैं कुछ खाऊंगी और उसके बाद आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम संडे में बाहर आए हैं और बहुत दिन बाद आई हूँ मैं बाहर और बहुत पूरा का पूरा दिल्ली बदल चुका है। तो आज हम जो अपने व्लॉग में बात करेंगे वो G20 के बारे में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ खा लेते हैं। तो हमारे कुरकुरे मोमोज आ गए, जैसे कि आप जानते हैं कि दरियागंज में एक ही ठिकाना है मेरा और मैं वहाँ पहुँची हुई हूँ। आओ इधर मेरे पास दानिश मेरे, और ये रहे हमारे मोमोस। तो दानिश मुझसे बोल रहे हैं कि जल्दी से अपना शूट कंप्लीट करो, मुझसे रुका नहीं जा रहा, और ये लड़का ना तोड़ तोड़ के खा भी रहा है। तो गाइस अब पहले हम थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं, उसके बाद में मैं इंशाल्लाह आगे का शूट। गाइस ये रहे हमारे हमेशा की तरह क्रंची मोमोज और दानिश लेके खड़े हैं चटनी। और हमने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिए तो हम बाहर आकर जूसेस वगैरह ले लेते हैं, तो ये हमारा फेवरेट है। तो दानिश शुरू करें, बिस्मिल्लाह करो। नहीं चटनी इसी के ऊपर रख दो, हाँ गिर ना जाए। इसमें पहला बाइट तुमने खुद लिया, पहले बाइट पे मेरा हक है दानिश। खाने नहीं तो ना तुम शूट पे चक्कर नहीं, नहीं खा लूं। बड़े मजो के लग रहे हैं, जल्दी। देखो जरा मेरे कपड़े खराब कर दिए उन्होंने, हाथ में से टिश्यू पेपर लो दानिश मेरे में। हमेशा ना अपने कपड़े गंदे करते हो तुम, आज पहली बार तुमने मेरे कपड़े पे चटनी गिरा दी। कौन से स्पून लेकर आया था वो? स्टील का। स्टील जो हम घर में खाते हैं। तो डाल कर ही नहीं लाया सॉस वगैरह। तो गाइस हमारी चाउमीन भी आ गई है विदाउट सॉस, लेकिन काफी स्पाइसी होती है दानिश, खाकर तो देख लो पहले पहले ही कमियां निकालते। बड़े ही चूजी हैं ये। एकदम बढ़िया मामला हो रहा, गरम गरम बहुत टेस्टी है। गरम हो रही है ना बहुत। बहुत गरम गरम चाउमीन, कितने दिन बाद खा रहे हैं ना दानिश हम। आज हम चीट डे मना रहे हैं। मैंने तो वो भी छोड़ दी, कोल्ड ड्रिंक सब जूस कुछ नहीं ले रहा मैं बाहर। वफर का पैकेट हो कुछ नहीं मंगाया, खाता मैं कारखाने में भी। सही अच्छी बात है, तो आज तो चीट कर रहे हो ना। वो तो दो चार दिन पहले भी करा था। तो गाइस हम निकल गए वहाँ से और अब मैं जा रही हूँ आपको दिखाने के लिए अपनी खूबसूरत सी दिल्ली। हम कहाँ पर हैं दानिश इस टाइम? दिल्ली गेट। तो गाइस मैं दिल्ली गेट की रेड लाइट पर खड़ी हुई हूँ। नए नए रंग कर रहे हैं। बड़ा ही प्यारा सा हो रहा है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। और ये हम
चल रहे हैं स्टेडियम वाले रोड पे, है ना। तो गाइस ये हमारा क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ पे, जहाँ मैं आज तक कभी नहीं आई। और मैं दानिश से कहते कहते थक चुकी हूँ कि मुझे एक बार यहाँ मैच देखना है, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे हम यहाँ पे, है ना, कभी कोई अच्छी सी टीम का मैच होगा तो। तो गाइस आप देखें यहाँ पे कितना प्यारा काम चल रहा है G20 का। और ये इन लोगों ने दानिश ये क्या है यहाँ पे, शहीदी पार्क। हाँ इसके अंदर जा सकते हैं क्या? अच्छा हाँ, फर्स्ट टाइम देखा है मैंने भी। हो सकता है अब काम तो चल ही रहा है, कुछ पता नहीं है कितना चेंज हो गया है यहाँ से सब कुछ। आजादी का अमृत महोत्सव उस पर लिखा हुआ है वहां। तो गाइस हम हैं ITO रोड पर और यहाँ पे बस काम ही चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत से सब काम कर रहे हैं यहाँ पे। मेरा बड़ा ही मन था कि मैं सबको अपने ब्लॉग में लूँ, क्योंकि मैं इतने दिन से आई नहीं हूँ बाहर। तो गाइस ये है हमारा डॉल म्यूजियम, मैं बचपन में आई थी यहाँ से स्कूल की तरफ से। और ये हमारी तिरंगा लाइट है, जो कि बस इनको देखते के साथ ही दिल में एक अलग ही देशभक्ति वाला वो हो जाता है जोश। कितनी खूबसूरत लगती है लाइटें, और अल्लाह की शुक्र से अब तो सब जगह लग चुकी है, अपने एरिया में भी लग गई है। नहीं हाँ हमारे घर तरफ पहुँच जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, हमारे ग्रिल तलक भी आ जाए, हमारे ग्रिल पे भी लग जाएंगे लाइटें, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। हाँ सूरज लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है यार ये। मेरा दिल कर रहा है मैं यार रुक के ना वीडियो बना दूं। गाइस ये आ गए हैं हम इंडिया गेट, जहाँ बड़ी प्यारी सी लाइटिंग हुई हुई है हर तरफ, बहुत ही प्यारे नजारे लग रहे हैं। तो गाइज ये मैं बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने वाले रोड पे हूँ, जहाँ कभी बैठा करते थे, इस टाइम खाली हुए हैं ये सब। और ये रहा हमारा इंडिया गेट, वो भी खाली करा दिया था। पूरा का पूरा सब खाली हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ज्यादा फोर्स लगी हुई है यहाँ पे। लाइटों का काम ज्यादा वैसा नहीं नजर आया मुझे, है ना, कुछ खास, क्योंकि इंडिया गेट तो वैसे भी आम तौर पे भी ऐसे ही रहता है। नहीं तो गाइस ये सब अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग हैं, जहां जहां से हमारे इंडिया में गेस्ट आ रहे हैं उन सबकी कंट्रीज के फ्लैग लगे हुए हैं यहाँ पे। और मैंने बड़ा ही दानिश को बोला है कि दानिश मुझे इन सब फ्लैग्स के बिल्कुल क्लोज लेकर जाओ, मुझे बहुत पास से वीडियो बनानी है। तो ये पूरा का पूरा एक कोल पार्क है यहाँ पे, इसके चारों तरफ मैंने अपनी गाड़ी घुमा दी बिल्कुल अच्छी तरीके से, और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। हमें 12 रोड कनॉट प्लेस में है ना, ये सब चीजें मुझे पता नहीं है, रास्ते मुझे सारे याद रहते, लेकिन मुझे रोड के रास्ते पता, रोड के नाम नहीं पता कि कौन कौन से रोड के क्या क्या नाम है। तो गाइज हम आ गए हैं कनॉट प्लेस, और ये है वो गैलरीज जहाँ पे हमारे इंस्टाग्राम के बहुत ही बड़े बड़े सुपर स्टार्स वीडियो बनाने आते हैं, और हम कभी नहीं आते क्योंकि सबकी अपनी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पब्लिक प्लेस में नहीं बना सकती मैं वीडियो, मुझे अच्छी भी नहीं लगती इस तरीके से। बाकी अगर कभी मौका हुआ इस तरीके से कम्फर्ट लगा तो कभी कोशिश करूँगी। और ये रहा हमारा तिरंगा,
जो कि दिल्ली में, पूरे दिल्ली में, पूरे इंडिया में जगह जगह लगाया हुआ है। बड़ा ही अच्छा लगता है जो बातें। और ये क्या है दानिश, इस पाली का बस आ रही है। अब यार बहुत दिन हो गए ना यहाँ पे आए हुए, इसलिए मुझे, मैं भूल गई सब कुछ। तो गाइज वो पालिका बाजार था और वो निकल भी गया और मुझे मैं दानिश से बात ही करती रही। और ये रही वो गैलरीज जहाँ की वीडियोस अक्सर हमें नज़र आती हैं। मैंने आज तक किसी को वीडियो बनाते हुए नहीं देखा बाहर लेकिन यहाँ पे सब ग्रुप्स ही खड़े हुए हैं तो शायद वीडियोज ही बन रही होंगी। वो ही है सारे। आई नो कचरा पार्टी। व्हाट, क्या कचरा पार्टी, ये क्या होता है? रेड लाइट ग्रीन हो गई हमारे आते ही है। अच्छा अच्छा, बंद हो रही है वीडियो। हाँ तो बाय बाय नॉट प्लेस, हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं राजघाट की रेड लाइट पे और यहाँ की रेड लाइट से ही स्टार्टिंग हो गई है। पूरा तहलका मचा दिया जब आते हैं, कितनी प्यारी लग रही है रेड लाइट। आमतौर पे नहीं बनाते ऐसी, है ना, और अब ऐसी ही रहे। और वाओ शावर, बहुत ही औसम। क्या ऊपर का पेड़ तो मैंने लिया ही नहीं। वाओ और वो रहा सामने राजघाट जो कि पेड़ों की वजह से नजर नहीं आ रहा बिल्कुल। तो गाइस हमें इस वक्त राजघाट पे जो वीडियो प्लेस बना हुआ है ये वाला, मैंने अपनी दो रील बनाई है। आप चाहे तो जा सकते हैं मेरी इंस्टा आईडी पे। मेरी इंस्टा आईडी का नाम है ज़ेबा खान मलिक 1993 और वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। कमेंट्स आप वहाँ कर नहीं सकते, डीएम्स कर सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं घर पे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, शायद 10 बज रहे हैं ना, तो 10 बज रहे हैं और बच्चे हैं नानी के पास अपनी। तीनों बच्चों को मैं घर पे छोड़ कर आई हूँ। अम्मी ने बोल दिया था कि अगर ब्लॉगिंग करने के लिए जा रहे हो तो आराम से जाओ, बच्चों को घर पे छोड़ दो। तो दानिश बड़ी ही फास्ट स्कूटी चला रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं ध्यान से। मैंने हेलमेट भी नहीं लगाया, अरे चालान तो नहीं हो जाएगा है। तो गाइस अगर रास्ते पे कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं जरूर शूट करूंगी, लेकिन हमने आइसक्रीम नहीं खाई। गाइज मैं घर पे आ गई हूँ और बच्चों को मैंने ले लिया है पापा के घर से। और मैं लेट आने में इसलिए हो गई हूँ, टाइम हुआ है रात के 12 बज रहे हैं इस टाइम, क्योंकि मैं पापा के घर चली गई थी, बच्चे वहीं थे। तो मुझे फिर जब गई हूँ वहाँ पे तो थोड़ी देर बैठना भी पड़ता है और बैठ कर बातें करी तो बस टाइम लग गया और पता भी नहीं चला। और कुछ देर इस वजह से हुई है क्योंकि दानिश जैद और दावर को बाहर लेके गए थे कुछ खिलाने पिलाने के लिए। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, मम्मा हमें, पापा हमें क्या नाम है, बर्गर खाना है। तो मैंने बर्गर के लिए बोल दिया था कि कोई बात नहीं, आप बर्गर खिला लो इनको। तो गाइस पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तबीयत मुझे बेहतर लग रही है और अभी एक टाइम की दवाई उनकी बची है। तो अगर मुझे सुबह उनकी तबीयत बेहतर लगी तो मैं स्कूल भेजूंगी, अदरवाइज अगर मुझे लगा ऐसा कि तबीयत ठीक नहीं है तो मैं सुबह की भी छुट्टी कराऊंगी और स्कूल में बोल दूंगी फ़ोन करके कि जो भी स्कूल में काम हुआ है वो सब मुझे सेंड कर दें उनकी टीचर। तो गाइज बहुत दिन से मैं बाहर नहीं जा पा रही थी क्योंकि घर में उलझी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा घर के काम होते हैं इन सब चीज़ों में। तो आज मैं बाहर गई, मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरा दिल्ली इतना खूबसूरत तरीके से सजा हुआ था, इतनी लाइटिंग और जगह जगह इतने ज़्यादा बैनर्स बोर्ड, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। G20 का काम बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रहा है। अल्लाह ताला ये जिस मकसद से काम हो रहा है इस मकसद में हम सबको कामयाबी अता फरमाए। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने पक्का सोच रखा था कि जब ये G20 का काम चलेगा और
तीन या चार दिन के लिए जो भी न्यूज आ रही है कि दिल्ली बंद रहेगी, तो उससे पहले मुझे अपना शूट जरूर करना है। मैं व्लॉग बनाऊंगी और देखूंगी कि क्या काम चल रहा है बाहर और क्या काम हो रहा है। मुझे देखना भी था और मुझे आप सबको दिखाना भी था, तो मेरी पूरी की पूरी कोशिश थी कि मैं अच्छे से सबको शूट कर पाऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से सबको शूट कर भी लिया। बहुत थक गई मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत गाड़ी पे घूमना पड़ा। पहले हम लोग यहाँ से दरियागंज गए, वहाँ पर हमने मोमोज चाउमीन वगैरह ये सब चीज़ें खाई, फिर वहाँ से घूमते हुए इंडिया गेट गए, इंडिया गेट से आईटीओ पहले पता नहीं कौन कौन से रोड बता रहे थे दानिश, पूरा कनॉट प्लेस घुमा दिया आज मुझे। बहुत सालों के बाद मैं जब छोटी थी तो मैं पापा के साथ जाती थी कनॉट प्लेस, जनपद और पालिका बाजार में। पहले वहाँ से श्री लेदर शोरूम है वहाँ पे, मैं वहाँ की ही स्लीपर पहनती थी कनॉट प्लेस में। और लेकिन अब तो बहुत टाइम हो गया, बहुत साल हो गए वहाँ पे गए हुए, पापा के साथ ही गई हूँ, दानिश के साथ कभी नहीं गई हूँ मैं कनॉट प्लेस, ना वहाँ से शॉपिंग की है मैंने पिछले 10 साल से। तो बच्चे अभी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं गाइज, मैं जल्दी से इन सबका चेंज कर देती हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया। मैंने इतना सोचा नहीं था कि आज इतना ज़्यादा लेट हो जाएगा। वो लेट कुछ इसलिए भी हुआ है ना कि मैंने शूट थोड़ा सा देर से स्टार्ट किया है इस वजह से। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिए। यकीन मानिए कि आपके अच्छे कमेंट्स जो होते हैं वो इतनी खुशी देते हैं मुझे बहुत ज़्यादा। तो गाइज मैं आप सबके लिए बहुत दुआएं करती हूँ, आप जहाँ पर भी हैं आप सही रहिए, खुश रहिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और अल्लाह हाफिज़।